जनपद में बुधवार को जिला अस्पताल सहित 126 केंद्रों पर 45 साल के ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में 11 अप्रैल से चल रहे टीका उत्सव में प्रतिदिन 13,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि टीका उत्सव का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। सीएमओ ने बताया कि बुधवार को जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल, सीएचसी, पीएचसी सहित 126 केंद्रों पर कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें 11 प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बहुत आवश्यकता पर ही घर से मास्क लगाकर बाहर निकलें तथा भीड़ भाड़ में जाने से बचें तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, उसमें हटा दे रहे हैं। इसको आज जनपद में कितने लोगों का टीकाकरण किया गया? आज जनपद में 126 जगहों पर टीकाकरण हो रहा था, जिसमें से 115 हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में टीकाकरण चल रहा है। उसमें हमारे जिला पुरुष अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हमारी सारी अर्बन पीएससी पर टीकाकरण चल रहा है और हमारी सीएससी पीएससी पर टीकाकरण चल रहा है। सर, 11 से प्रत्येक टीका उत्सव मनाया जा रहा था। जी हाँ, 11 से लेकर 14 तारीख तक स्पेशल टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा था, जिसमें हमने बहुत अच्छा लक्ष्य, हमने 13,000 से ज़्यादा हम लोगों टीकाकरण किया एक ही दिन में। आज भी हमारा टीकाकरण लक्ष्य जो है 10,000 से ज़्यादा का है और अभी तक हमारे पास 8,000 लोगों का टीकाकरण आ चुका है और अभी टीकाकरण जारी है। तो अपील सर आपके द्वारा करोना, जी हाँ, सभी जनता से हमारी अपील है कि करोना महामारी अपना भेद रूप धारण कर रही है, इसके बचने के बहुत ही सिंपल उपाय हैं, इतने सिंपल साधारण उपाय हैं जिससे आप अपनाते हुए आप कोरोना से बच सकते हैं और देश को इस महामारी से मुक्ति दिला सकते हैं। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं और ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी है तभी बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं और दो दो घंटे पर अपना हाथ धोते रहें। इन्हीं चार विचारों को अगर ध्यान में रखेंगे तो कोरोना को हम किसी भी हालत में कंट्रोल कर लेंगे और हम अपने जिले को, देश को और देश को इस बीमारी से मुक्ति दिला सकते हैं।